हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एवरीडे फोकस में। प्यारे दोस्तों, एक नई नोटिफिकेशन जो है एम्स की तरफ से लेकर आ चुका हूं। हॉस्पिटल आर्किटेक्ट की, यहां पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की और ग्रुप ए की, इसके अलावा विभिन्न पदों पर जो है नोटिफिकेशन अभी निकाली गई है दोस्तों, बिल्कुल परमानेंट है। सैलरी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने वाली है, 2,08,000 से भी ज़्यादा आपको सैलरी पर मंथ मिलने वाली है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है बिल्कुल ऑफिशियली, और जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, योग्यता क्या होने वाली है, सैलरी और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लग रही है, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं पहले आप इसलिए वेबसाइट पर। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है और नीचे जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको जो है 23/5/2020 की डेट यहाँ पे, उस पर जो है आप लोगों को एक क्लिक करनी है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपको जो है 15 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वहाँ पे क्लिक करना है। और देख सकते हो एम्स भुवनेश्वर, एम्स गुवाहाटी से जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो 5/26/2020 इस पर जो है क्लिक करना है और नोटिफिकेशन आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। हिंदी में नोटिफिकेशन देख सकते हो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर 23/5/2020 की नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाली गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी, जिसमें देख सकते हो अस्पताल वास्तुकार आर्किटेक्ट नर्सिंग अधीक्षक मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी लेखाधिकारी, इसी तरह की जो है विभिन्न पदों पर निकाली गई है। ग्रुप ए की यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जॉब है और सैलरी देख सकते हो काफ़ी अच्छी सैलरी है, 2,08,700 रुपये। और तीन वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए और लेखाधिकारी के लिए, तीन वैकेंसी ऊपर वाली ये जो वैकेंसियाँ हैं ये दोस्तों भुवनेश्वर के लिए है, और नीचे आप लोग जो देख सकते हो ये गुवाहाटी के लिए रखी गई है। इसमें इंजीनियर की भी वैकेंसी रखी गई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और दोस्तों 30 जून तक जो है आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 30 जून से पहले आप फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रुप ए लेवल 11 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब है, तीन वैकेंसी है और लेवल 11 के अंतर्गत आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, अगर आप लोग भुवनेश्वर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भुवनेश्वर का यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इसी पे आप लोगों को पोस्ट ऑफिस कर देना है, स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। नीचे आओगे तो यहाँ पे मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, और यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़्यादा लग रही है। एक्सपीरियंस आपको देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 8 नंबर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो है यहाँ पे, इसमें अगर आपके पास डिप्टी या असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर 5 साल का एक्सपीरियंस है और 5400 ग्रेड पे पर आपने 5 साल रेगुलर सर्विस किया है, तो आप लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऑफिसर, अगर आपने स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेटूटरी या ऑटोनोमस बॉडीज होल्डिंग एनालॉजिस पोस्ट पर भी आपने काम किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तीन वैकेंसियां हैं। तो डिप्टी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर 5 साल रेगुलर सर्विस किया है और ग्रेड पे जो आपकी थी 5400 थी, तो आप लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हो वैकेंसियाँ हैं, 5 साल की कम से कम एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई है। और आर्किटेक्ट में अगर आपके पास डिग्री है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो हॉस्पिटल आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस दोस्तों इसमें कंपलसरी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, इस फॉर्म को फिलअप करना है, और उसके बाद जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो गुवाहाटी के लिए, तो गुवाहाटी का एड्रेस डालना है और स्पीड पोस्ट कर देना है। फॉर्म बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है दोस्तों, और आपके पास क्वालिफिकेशन है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, ज़रूर अप्लाई करिए। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।